सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान बाबा, ज्ञान रत्नों से हम बच्चों की झोली भर रहे हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं, तुम बाप के बने हो इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सारी दुनिया में इस समय सबसे तिक्खी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है, उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। जो आग लगी हुई है, तिक्खी आग, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है, यह आग सबसे तिक्खी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है, इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनना है, बनना है या बनाना है। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबके सत्यनाश करता है, इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, महफिल में जल उठी शमा हो, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा। बाबा कहते हैं, जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्र रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए, किस द्वारा, ज्ञान के सागर द्वारा। बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम में जाने के लिए, अपने घर में जाने के लिए, अपने शांति धाम में जाने के लिए। बाकी यह पुरुषार्थ और कोई करा ना सके सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं, मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा, मतलब बुद्धि से भूलना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय एक बाप की याद और किसी की भी याद ना आए। तुम बच्चे जानते हो शमाई है परवानों के साथ ले जाने के लिए, परवानों को साथ ले जाने के लिए, पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की क्या है प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, यह संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठा तो हो ना सके, एक खत्म होनी है जरूर। बाबा कहते, तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो जानते हैं, क्या जानते हैं, अपने आप से पूछो। राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापना हो रही है। भगत सत्युग में कोई दुश्मन होता नहीं, वहां ना रावण होता है ना मनुष्य के दुश्मन होते हैं। मनुष्य की सत्यनाश यह काम विकार करता है, लेकिन सत्युग में यह नहीं होता है। तुम समझते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। तो सत्युग में रावण तो होगा नहीं, वहां क्या होंगे, सर्वगुण संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। लेकिन यहां क्या करते हैं, यहां तो अवगुण से भरे हुए हैं। भगत जहां देवी देवता राज्य करते थे वहां हमें जाना है। यह भारत शिष्टाचारी पावन था। बाबा कहते हैं, अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं, समझा कर फिर कहते हैं, बुद्धि में धारणा होती है ना,
जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है, झाड़ नामक की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। शिव बाबा अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि मुझे क्यों कहते हैं, क्यों पूछते हैं, क्यों याद करते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। मुझे पवित्रता का भी सागर कहते हैं, पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। यह है राजयोग और ज्ञान। वैरिष्टरी पढ़ते हैं उनको कहेंगे वैरिष्टरी योग, क्योंकि इस पढ़ाई से ही वैरिष्टर बन जाते हैं। यह बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूं। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं। भगवान से क्या मिलेगा, क्यों याद करते हैं, जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तुम सबसे पूछते हो कि परमपिता परमात्मा का परिचय है, वो बाप रचयिता है तो जरूर स्वर्ग रचता होगा और स्वर्ग की राजाई देते हैं, जो हम बच्चों को मिली थी लेकिन अब नहीं है, लेकिन फिर से ले रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जैसे कल पहले भारतवासियों ने ली थी, अब फिर से भारतवासियों को लेनी है। बाबा यहां नारद का मिसाल दे रहे हैं, तुम बच्चे भी पूछते हो चलेंगे वैकुंठ, क्योंकि नारद पूछता था ना, भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे। भारत को ही वर्षा मिला था, अब नहीं है और कोई तो ले ना सके ना मिल सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है और भारत में जो भगवान को पहचान जाते हैं उनको ही ये वर्षा मिलता है। बाबा कहते इतना पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि भूतों का बार है, साक्षात्कार हुआ फिर पढ़ते नहीं है, ऐसा बनते नहीं है तो कैसे भाग्य मिलेगा। देह अभिमान का कड़ा भूत है, बुद्धि में रहना चाहिए कि खेल पूरा होता है, हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम यह पुराना चोला छोड़ता हूं, यह भी सिर्फ याद पड़ जाए तो ओह भाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे, अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम में। यह किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। भले सन्यासी है वो कहते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे तो जा कैसे सकते हैं। ले जाने वाला है ही एक राम, सभी बच्चों को ले जाएंगे, आपे ही तो कोई जा नहीं सकता, भगवान ही लेके जाएंगे अपने परम धाम। तो बाबा कहते हैं सिर्फ पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्योंकि बाबा का बनना पड़ता है ना, वो जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे ना सके, बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े, श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे और उस श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले, पहले पहले परिचय ही बाप का देना है। ढेर का ढेर आते हैं, यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में बैठ जानी चाहिए, टपकनी चाहिए, ओना रहना चाहिए, कहते हैं फुरना नशा होना चाहिए। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं, कहते हैं बाबा फलाने में यह अवगुण है, बहुत समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं समाचार दो तो सावधानी मिले। तो बाबा धारणाओं में कहते हैं अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इसी खुशी में रहे पुरानी दुनिया, देह का अभिमान छोड़ देना है, एक बाप की मत पर चलना है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है, निश्चय बुद्धि वन बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलना है। कोई कोई बच्चे भगवान को मत देने शुरू कर देते हैं, भगते हैं एक बाप की मत पर चलना है ना कि उसे मत देना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन है, कभी सोमान की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में।
जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो, वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। बाबा जी हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, वफादार वो है जिसे संकल्प में भी कोई देहदारी आकर्षित न करे। तो आज के मूल्य के अनुसार हमें सोमन लेना है, मैं स्वराज्य अधिकारी सविश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।